पहले तो इस माल्टी क्री उड्डान पुल का उद्घाटन हुआ ऐसे मैं घोषित करता हूं। और पालक मंत्री जो यहां से अभी गए हैं, उनको जाना था मुंबई, उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने इस काम के लिए वक्त दिया। मैंने उनसे कहा था काफी दिनों से ये काम पूरा हो चुका है तो उसमें विलंब नहीं होना चाहिए, लोगों के लिए ये रास्ता खुला होना चाहिए ताकि आने जाने में यातायात में ये काम में आएगा और लोगों को तकलीफ कम हो जाएगी, और इसलिए उन्होंने वक्त दिया और आज ये पुल आप सब के लिए ट्रैफिक के लिए खुला हो गया। इसलिए मैं तहे दिल से राज्य शासन का, पालक मंत्री का और हमारे सभी खास करके ऑफिसर जो यहां मौजूद है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है एकलारे और हमारे मोर्गे, ये दोनों का ही मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत मेहनत करके हमारे स्वर्गवासी मुर्गी जी, उनके पिताजी थे, बहुत नांदेड़ के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उनके ही लड़के हैं जो आज काम यहां पर संभाल रहे हैं, उनको भी मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने और एकलारे ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है, इस काम को पूरा किया है। दोस्तों, कई बातें नांदेड़ के विकास के बारे में यहां चर्चा हुई और जैसे कहा जाता है इस पुल की वजह से नांदेड़ उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला काम हो गया है। नांदेड़ के हिम्मतबाज लोग चाहे उत्तर के हो या दक्षिण के हो, दोनों को जोड़ने का काम शायद ये पुल की वजह से हो रहा है, ऐसे मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा, पर हिम्मत वाले नांदेड़ के लोग सभी हैं, चाहे वो लोकसभा वाले हो या विधानसभा वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सही हिम्मत तो लोगों की, लोग फैसला करते हैं, ये तो मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों का कि आपकी वजह से हमारी हिम्मत है और हमारी हिम्मत है इसलिए जो भी काम आपके दिल में है उसको पूरा करने के लिए आप लोगों ने ताकत दी है, और आपकी ताकत की वजह से आज नांदेड़ जो दिखाई दे रहा है, चांद चांद जो नांदेड़ में लग गए हैं वो फिर हम आपके हमारे नेता शंकर और चौहान साहब क्यों न हो, आज मुझे आपने मौका दिया है, मैं समझता हूं इसके वजह से आज नांदेड़ शहर में पिछले कई सालों की जो बातें थी उसको हम अंजाम देने में कामयाब हुए, सफल हुए और लोगों ने भी इस काम को समझा है, उसीलिए लोगों ने भी हमें बहुत ताकत दी है, हिम्मत दी है, और लोगों की हिम्मत और ताकत की वजह से ही आज नांदेड़ की जो तकदीर है, नांदेड़ की जो आने वाले समय में जो अपेक्षाएं आप सबकी है वो तो पूरा करने में काफी बल मिला है, ताकत मिली है। यहां पर आज आजादी के दिन पर अपना 15 अगस्त देश की आजादी को हम सबसे पूरे देश भर में मनाते हैं खुशियों के साथ, जैसे ईद होती है, दिवाली होती है, उसी तरह 15 अगस्त अपने आजादी का जो दिन है वो बड़े शान आन बान और शान के साथ में पूरे देश में मनाया जाता है। तो सही बात तो ये है, अंग्रेजों के जमाने की बात अगर हम सोचेंगे तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनके नेतृत्व में एक जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी गई थी और इस जंग की वजह से देश आजाद हुआ। आज आजादी के इतने सालों बाद क्या हम वही आजादी महसूस कर रहे हैं क्या, ये सही मामला आज हमारे दिल में। हम चाहते हैं कि आपको बोलने की आजादी रहे, आपको आपके दिल के हिसाब से खाने पीने की आजादी रहे, आपको घूमने की आजादी रहे, और आपको इस देश में महसूस करते वक्त एक महसूस होना चाहिए कि हमारा देश है, हमारा मुल्क है और हमारे पर किसी का दबाव हम कभी सहन नहीं करेंगे, ये सबके दिल में आज बात। तो मैं समझता हूं आज इसी बात की नुमाइंदगी करने हम सभी लोग यहां पर जो मौजूद है वो हमारी भूमिका यही है, इस आजादी को बरकरार रखे और इस आजादी को बरकरार रखे फिर तरक्की करें। तरक्की करें, तरक्की किसके लिए करें, ये सवाल है ना, सवाल देश में। आज प्रधानमंत्री जी का हम तकरीर सुन रहे थे, हमारा कहना यही है कि तकरीर की बातें बहुत होती है पर अमल कितना होता है, ये सही बात है, अमल कितना होता है, विकास के बारे में जो बातें कही जाती है वो उसके फैसले कितने तक लोगों तक जाते हैं, ये सही बातें आज हमारे सामने है।
तो लोगों को विश्वास इस बात पे नहीं रहा, सिर्फ तकरीरों पे विश्वास नहीं रहा है, लोगों को विश्वास रहा है काम करके बताइए और फिर बोलिए। ये लोग आज हर आदमी समझता है कि ये सिर्फ बोल के नहीं चलेगा। आज देश में कई नौजवान साथियों के हाथों के लिए काम नहीं है, मॉब लिंचिंग के जरिए लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसमें खास करके अल्पसंख्यक लोग हैं, हमारे पिछड़े हुए जाति के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट है, जिनको पकड़ के मारा पीटा जब मॉब लिंचिंग के बाद, तो पूरे देश भर में हम सुन रहे हैं कि लोगों को मारा जाता है। तो ये सब बातें देश में एक तरफ है, एक तरफ किसानों की आत्महत्या 45,000 से भी ज्यादा देश में बढ़ गई है, तो ये सब समस्याएं हमारे सामने जरूर है। तो तरक्की करना है तो तरक्की किस लिए करना है, जब आदमी कोई सुकून और शांति नहीं है, देश के चाहे वो पूरी समाज और कोई जाति का आदमी हो, उसको सुकून और शांति नहीं होगी तो विकास किस काम का, ये अहम सवाल आज देश का हर आदमी पूछ रहा है मौजूदा सरकार से। तो हम चाहते हैं कि इन हालातों को बदलने की आवश्यकता है। जब शमीम भाई ने कहा कि ये उर्दू घर तो अपने वक्त ही पूरा काम हुआ है, अब उद्घाटन के लिए फाइल पड़ी मंत्रालय, मैं तो शमीम भाई यही कहूंगा, हमारे अफसर से मैं उनकी गलती नहीं है, मैं जरूर ये कहूंगा जल्दी से जल्दी अगर नहीं हुआ तो फिर हम ही जाके उसका उद्घाटन कर लेंगे अगर नहीं पाएंगे। इसको रोकना किस बात के लिए भाई, ये ब्रिज के तो पीछे पड़ना पड़ा, करिए करिए। मैंने पालक मंत्री जी से अभी कहा कि मैंने कहा आप टाइम निकालिए थोड़ा सा, नांदेड़ की दवाखानों की हालत क्या जाके देखिए, शंकरराव चौहान साहब के नाम से हमने मेडिकल कॉलेज बनाया वहां पर, आज उसको 4 साल हो गए, 4 साल के बाद में मौजूदा हालत अगर जाएंगे तो बहुत हालत खराब है, मैंने खुद जाके देखी है। मैं फिक्र इस बात की कि इस कॉलेज को नाम मेडिकल कॉलेज को शंकरराव चौहान जी का नाम दिया गया है, तो मैंने उनसे कहा कि आप अगली बार आए तो मीटिंग तो लीजिए कि क्या हालात हमारे मेडिकल कॉलेज के, क्या हालात है हमारे रस्ते के, ठीक है कौन एमएलए है क्या एमएलए, बात दूसरी है कि जो उन्हें चुन के दिया वो एमएलए हो गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लोग जिसको चाहेंगे चुन के देंगे, हमें उसे कोई कहना नहीं है। पर सवाल है कि सरकार नाम की चीज अगर है तो कहीं दिखनी चाहिए, और पालक मंत्री ने यहां वक्त देना चाहिए, ये अगर चले गए वहां से, मैं उनके बहुत पीछे नहीं बोल रहा हूं, मैंने उनके होते हुए अभी यही कहा कि आप समय दीजिए, आप कम से कम 2 दिन तो दीजिए। आज एयरपोर्ट शुरू हो गया, कई लोगों ने अपोज किया था, मत बनाइए क्या फायदा, वो तो अशोक चौहान ही उससे जाएगा, आज 60 लोग तो 70 लोग तो रोज जाते हैं मुंबई हैदराबाद तो रोज जाते हैं वहां पर, ये क्या अशोक चौहान ने खुद के थोड़े बनाया, आज हवाई जहाज शुरू हो गया है वो बनाए हमने, पासपोर्ट ऑफिस शुरू हो गया, आपने कहा था पासपोर्ट ऑफिस शुरू किए वो शुरू करना, हमने शुरू करवाया, आज नांदेड़ के लोगों को बाहर जाने की नौबत नहीं आती है, वो नांदेड़ का पासपोर्ट ऑफिस नांदेड़ में शुरू हो गया कि लोगों को पहले से, मैं समझता हूँ बहुत बेहतर सुविधा हो गई है। और हम तो चाहते हैं कि नांदेड़ से हज के लिए जाने के लिए हवाई जहाज नांदेड़ से जाए, ये हमारी जिसकी ख्वाहिश है, पता नहीं सरकार आने के बाद ये सब चीजों को रख दिया गया है, मुस्लिम आरक्षण को भी रोका गया है, मराठाओं का आरक्षण का तो विषय बाद में हुआ है, मुस्लिम आरक्षण को कोई उसमें कोर्ट की पाबंदी नहीं होते हुए मुस्लिम आरक्षण का मामला रह गया है, दलितों पर अनेक कई जगह पर शिकायतें आ रही है, तो ये सब चीजें जो चल रही है अन्याय अत्याचार की बात जो हो रही है हर जमाने तटों पर, आज पहले मुस्लिम रहे, धनगर रहे, हमारे मराठा रहे, मुस्लिम रहे, ये सभी की कुछ न कुछ सामाजिक परिस्थितियों पर आज बहुत बड़ा सामाजिक तौर पर इतने बड़े पैमाने में मोर्चा 4-5 लाख लोग मोर्चा में शामिल हो रहे हैं, ये जो हालात आज निर्माण हुए हैं ये कितने हद तक सरकार इसमें क्यों नहीं ध्यान दे रही है, ये हमारा अहम सवाल इसके बारे में। किसानों की जमीन ली जाती है, जमीन लेने का पैसे कम मिलते हैं, तो मैंने कल पिछली बार मुख्यमंत्री से कहा कि भाई ये हमारे पास इतने ज्यादा क्यों पैसे तो जा रहे हैं, जमीन रास्ते के लिए जमीन ली जाती है, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि नांदेड़ के लोगों की जमीन का भी मुआवजा बढ़ाने का फैसला कल हुआ और इसका जीआरबी कल इश्यू हो गया, जिसकी वजह से ग्रामीण और शहरों में फर्क नहीं होगा, जितना पैसा ग्रामीण में रहेगा क्योंकि शहरों को पैसा ग्रामीण से कम मिल रहा, वो फैसला आज अखबारों ने कई अखबारों ने दिया है, कुछ लोगों ने दिया नहीं, छोड़ दिए देखिए उपाय बात तो जीआर तो निकल गया है, उसी वाला तो नहीं मामला, इसीलिए वो बात भी आज सामने आई है कि अर्दापुर हो, हिमायत नगर हो, शहर का अस्पताल बंद पड़ा हुआ है, जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है शिवाजी पुतले के कलेक्टर ऑफिस को लगकर वो बंद पड़ा हुआ है, तो बातें कहीं पर हैं और ये पुल जो है इसका पूरा निर्माण जो हुआ है वो तो हमारी सरकार जब थी उसका जब का निर्माण है जो आज पूरा होने जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसमें कोई राजनीतिक फायदा नहीं उठाने के लिए यहां पर आपके सामने खड़ा नहीं हूं, मैं तो लोगों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, एक जमाने में यहां से निकलना ही बड़ा मुश्किल था,
वो तो बुलता रद्दी के वक्त ये सब चीजों का प्लान हो गया और उसकी वजह से आज ये काम, ये अंतिम एकर जो काम रह गए थे ये काम आज पूरा हो रहा है। यहाँ से जाते वक्त ट्रैफिक थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई। मैं एसपी आए उनसे जल्दी मिलने वाला हूँ, उनसे कहने वाला हूँ कि बाकी सब तो ठीक है पर शहर की ट्रैफिक की समस्या थोड़ी हल कीजिए, लोगों को जाने आने के लिए सुविधा होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आबादी बढ़ते जा रही है, ट्रैफिक बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को ध्यान देने की आवश्यकता है, तो इसलिए उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ये एक जमाने में रास्ता तो बिल्कुल नहीं था, पीने का पानी नहीं मिल रहा था, मकान यहाँ पर ठीक नहीं थे, तो मैं तो 70 बार ये सोचो काम हुआ है वो कांग्रेस की बदौलत यहाँ पर हुआ है कि मकान यहाँ पर पक्के मकान हुए हैं, पानी की टाकियां हुई है, पानी आज मिल रहा है, रास्ते पहले से बेहतर हुए हैं, शायद रहे कुछ 11,000 मकान यहाँ पर हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ इतना सब होने के बाद बचा क्या सकता हूँ, सिर्फ रोटी दाल है ना, हम क्या रखते तो वो कभी वो तो ध्यान में रखते हुए नहीं किया था, तो जो भी किया है वो दिल से किया था, जिसके लिए आज लोग समझते हैं कि जो किया है तो अच्छा ही किया है, आने वाले समय में निश्चित तौर पर इससे भी बेहतरीन काम जो भी बचा होगा हो सकता है, यहाँ पर काम अंदर भी गलियों में हो सकता है कि रह जो रह गया होगा वो भी काम में ध्यान देने की आवश्यकता है, हम ध्यान जरूर देंगे और इसको इंशाल्लाह जो आपने चाहा उसको पूरा करने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। ये मैं आपके सामने गौरव के साथ यहाँ पर कहना चाहूंगा। आज कभी महसूस जो होती है मौलाना कासमी साहब की कमी यहाँ पर, कासमी साहब हमेशा जो अपने यहाँ पर ईदगाह पर हमेशा नमाज जो पढ़ाते थे आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, मैं उनको भी यहाँ पर सलाम करता हूँ कि आज उनकी मौजूदगी यहाँ पर हमें नहीं होते हुए भी आज पहली बार है तो नहीं होते हुए प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, तो हमारे बीच नहीं रहे आज, पर निश्चित तौर पर हमारे सबकी श्रद्धांजलि मैं उनको अर्पित करता हूँ और आज इस ब्रिज की बधाई आप सबको देते हुए मैं दो अल्फाज पूरे करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।